नमस्कार, मैं नियाज खान। पांच राज्यों में चुनाव है और राजनीतिक दांवपेच पांचों राज्यों में चालू है। कोई टिकट ना मिलने से पार्टी छोड़ रहा है तो कोई विचारधारा का हवाला देकर दूसरे पार्टी में शामिल हो रहा है। क्या अपने क्या पराये सब राजनीति के मैदान में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी दिख रहे हैं, क्योंकि आपका अपना कब आपको छोड़कर राजनीति के मैदान में पराया बन जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यही पार्टी पकड़ने और छोड़ने के सिलसिले में दो राजनीतिक परिवारों की बहुओं की खूब चर्चा हो रही है। आपको पता चल ही गया होगा कि हम किन दो बहुओं की बात कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ हम यूपी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और उत्तराखंड में धामी सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई की बात कर रहे हैं। अपर्णा यादव को जब उनके अपने घर की पार्टी से टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया, तो वहीं उधर उत्तराखंड में बीजेपी नेता और धामी सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत की बीजेपी से विदाई का सबब भी बहू अनुकृति गोसाई के लिए टिकट की चाहत ही बना। इस वीडियो में हम आपको दोनों ही बहुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव के बारे में बताते हैं। अपर्णा यादव की दिलचस्पी शुरू से ही राजनीति में रही है। अपर्णा ने लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट से स्कूली शिक्षा हासिल की, पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चली गई। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। अपर्णा शास्त्रीय संगीत में भी पारंगत हैं। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से 9 साल तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की। खास तौर पर वह ठुमरी गायन में निपुण हैं। आज भी वक्त निकालकर अपर्णा रियाज करती हैं। आपको बता दें कि अपर्णा ने साल 2017 में राजनीति में एंट्री की। समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, तब वह बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। अपर्णा के जेठ अखिलेश यादव भले ही सीएम योगी पर हमलावर रहते हों, मगर अपर्णा कई मंचों से सीएम योगी के काम की तारीफ कर चुकी हैं। वह खुद सीएम योगी को अपना बड़ा भाई बताती हैं। 19 मार्च 2017 में जब योगी मुख्यमंत्री बने तो अपर्णा अपने पति प्रतीक के साथ उन्हें बधाई देने के लिए पहुंची थी। जब अपर्णा योगी से मिली और उन्हें बताया कि उनका एनजीओ गौशाला चलाता है तो सीएम योगी बहुत खुश हुए। अपर्णा ने उनसे आग्रह किया तो योगी खुद उनके साथ लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित कान्हा उपवन में गौशाला देखने भी गए। आपको बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक को स्कूल के दिनों से जानती हैं। एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई थी और फिर दोस्ती हो गई। अपर्णा बताती हैं कि वह तब नहीं जानती थी कि प्रतीक तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। अपर्णा और प्रतीक की शादी दिसंबर 2011 में हुई। तो ये मुलायम सिंह के घर की छोटी बहू अपर्णा यादव की पूरी कहानी है, जिन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब आपको राजनीतिक घराने के एक और बहू की कहानी बताते हैं। जिन तस्वीरों को अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखी, इनका नाम है अनुकृति गोसाई रावत। मॉडलिंग की ग्लैमर भरी जिंदगी को छोड़कर अनुकृति गोसाई रावत उत्तराखंड में कांग्रेस की सियासत का हिस्सा बन गई हैं। अनुकृति गोसाई रावत का संबंध धामी सरकार में मंत्री रह चुके हरक सिंह रावत के घराने से है। अनुकृति गोसाई रावत ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और अब वे कांग्रेस की तरफ से राजनीति के मैदान पर खेलती नजर आएंगी। 25 मार्च 1994 को उत्तराखंड के गढ़वाल में अनुकृति गोसाई का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास लैंसडॉन में हुई।
शिक्षा पूरी करके वह मुंबई चली गईं। फिर इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। अनुकृति गोसाई रावत ने साल 2013 में मिस इंडिया दिल्ली का खिताब जीता था। 2013 में ब्राइड ऑफ द वर्ल्ड इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। 2014 में मिस इंडिया पैसिफिक वर्ल्ड और साल 2017 में मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वियतनाम में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2017 में वह टॉप 6 में जगह बनाने में कामयाब हुई थी। अब वह मॉडलिंग की दुनिया की ही तरह सियासत में भी छा जाना चाहती हैं। आपको बता दें कि अनुकृति गोसाई की हरक सिंह रावत और दीप्ति रावत के बेटे तुषित रावत के साथ 2018 में शादी हुई थी। अनुकृति हरक सिंह रावत की राजनीतिक वारिस बनना चाहती हैं। फिलहाल वह महिला उत्थान समिति का संचालन करती हैं। वह देहरादून के हरिद्वार बाईपास में येलो हिल्स रेस्टोरेंट भी चलाती हैं। अब कांग्रेस की विधिवत सदस्यता लेने के बाद अनुकृति की तैयारी चुनावी मैदान में उतरने की है। अनुकृति को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने के उद्देश्य से हरक सिंह रावत ने पिछले कुछ समय में राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू की। इस कारण एक बार तो उनका पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लगा नजर आने लगा जब उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस में मिली एंट्री ने उनको एक बार फिर संजीवनी मिल गई है। इसके बाद उनको अपनी बहू अनुकृति की राजनीतिक पारी शुरू कराने का एक और मौका मिला है। अब अनुकृति के सामने अपने आप को साबित करने की चुनौती रहेगी। तो इस तरह से राजनीतिक घराने की दो बहुएं राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमाने तो उतर चुकी हैं। अब देखना यह है कि इनकी किस्मत का तारा राजनीति के मैदान में कितना साथ देती है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।